आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की दाऊदी बोहरा समाज बड़वानी ने विश्व खाद्य दिवस पर रैली निकाली। जुलूस में खाद्यान्न बचत व झूठा नहीं छोड़ने की तख्तियां लेकर बच्चे चल रहे थे। दाऊदी बोहरा समाज के आमिल शेख यूसुफ भाई ने कहा, इस समय भुखमरी की समस्या बढ़ रही है, इस पर विचार करना पूरे देश के नागरिकों का दायित्व है। इस्लाम में भी जो भोजन को व्यर्थ में फेंकता है उसकी निंदा की गई। भारतीय संस्कृति में अन्न का बहुत महत्व है, आपकी कहीं पर भी हो अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक समारोह में भोजन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सैयदना साहब ने कहा था कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इसके तहत बड़वानी दीनदयाल रसोई केंद्र में खाद्यान्न दिया व हॉस्पिटल व महफल वितरित कर विभिन्न आयोजन किया। किस पर्पस को लेके आज रैली निकाली गई है? ये हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया है कि सबसे पुण्य का कार्य ये है कि किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाए। उसी उस पर आज उनके जो प्रतिनिधि है हमारे बड़े धर्मगुरु सैयदना आली हजरत फदर सैफुद्दीन साहब, उनका पैगाम है। आज दुनिया में भी ये वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, उसके उसमें एवज में पिछले साल भी कहा था और हर साल हमको होता है कि आदेश करते हैं कि जाके सब जैसे जैसे यानी हमारे समाज में तो है ही सबको, यानी सबको थाली जाती है, कोई अमीर गरीब नहीं, पूरा साल जाती है। और दूसरे लोगों को भी सब अल्लाह के ऊपर वाले के वो है ना बंदे, सब कोई भी ऐसा हो दूसरे समाज के भी सबको भी अपन जितना बने सब मदद करें और उनको खाना खिलाएं। आज क्या किया आपने, कहाँ पे दिया हुआ कुछ? आज यहाँ पे आशा ग्राम क्या दीनदयाल रसोई में और उधर भी यहाँ हॉस्पिटल में भी अस्पताल में भी फल वगैरह देंगे और वहाँ बावन गजा के वहाँ भी बच्चों विस्थापित होते हैं वहाँ पर भी।